से अप्लाई कर रही हूँ, एक नौकरी नहीं मिली। मुझे पता है, 3 महीने से ना मैंने हॉस्टल की फीस भी नहीं दी, और आज देख बैग पैक करके हॉस्टल के बाहर बैठी हूँ। वाइफ वांटेड फॉर अ टॉल स्मार्ट लुकिंग 59-year-old रिच मैन। अरे निशा, ये देख, वधु चाहिए 59-year-old रिच मैन के लिए, और दहेज भी नहीं मांग रहे, सीधे शादी। तो क्या, मैं तो कहती हूँ तू इस बुड्ढे से शादी कर ले। पागल हो गई है क्या? 60 साल का होने वाला है वो, बेकार सी बातें करके तू। देख मैं सच कह रही हूँ, यही अच्छा मौका है तेरे पास अमीर बनने का। आखिरी मौका है क्या, जल्दबाजी में मैं एक बुड्ढे से शादी करूँ? आखिरी मौका समझ, क्या करेगी तू बता? कोई है तेरा इस दुनिया में? किसके पास जाएगी, कौन रखेगा तुझे? तो जानते है ना, तू तो अनाथ है। मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं समझती हूँ, देख तू रो मत, और वैसे भी वो तो एक बुड्ढा है, जल्दी मर जाएगा, और उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस सब कुछ तेरा हो जाएगा। नहीं मरा तो क्या करूंगी मैं? अरे यार, 60 साल की उम्र के बाद जिंदगी वैसे भी बोनस पीरियड हो जाती है, मरेगा तो जरूर, कभी ना कभी तो मरना ही है उसे, और नहीं मरा तो तू उसे मार देना। अरे श्यामलाल, तेरा ऐड आया, एक दूल्हे को चाहिए दुल्हन, फिर होगा दोनों का मिलन। उम्र का जवानी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मगर फिर भी लोग तो कहते हैं ना शामलाल। ओ हो 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 वैसे शामलाल, घर तेरा इतना बुरा नहीं है रे, कोई ना कोई तो फंसेगी रे, फंसेगी रे, फंसेगी रे, कोई ना कोई तो आएगा, दिल में समाएगा। ठीक है, वर के गले में वरमाला डाल दो, डाल दो। पेपर में जैसा तुमने बताया था, तुम वैसे नहीं हो। अरे यार, वैसा ही हूँ, हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, वो तो चलता ही है। हाँ, लेकिन तुम्हारी उम्र तो उससे भी ज्यादा है ना। एक बात बताओ, अगर तुम शादी करना चाहती तो करो, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 60 साल की उम्र के बाद जिंदगी वैसे भी बोनस पीरियड हो जाती है, मरेगा तो जरूर, और क्या पता वो बुढ़ा तेरा ही भला करने के लिए अब तक जिंदा हो। अभी पहले जी बताया था कि तुम अमीर हो। अरे अमीर क्या, बहुत अमीर हूँ। तो फिर ये ऐसी सिंपल सी शादी, ना कोई फंक्शन, ना कोई गेस्ट, ना कोई रिश्तेदार, कुछ भी नहीं है। ये सब देख के लगता नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे। बताओ, देखो मैं ना दिखावे पे विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा, अब मैं वो बराती बुलाता, उनको खाना खिलाता, फिर वो 50 नुक्स निकालेंगे, नमक ज्यादा था, तेल कम था, 50 बातें बताते है, पैसे मेरे जाते, तो मैंने वो पैसे बचाए हैं, सेविंग कहते हैं उसे। सेविंग? इतनी सेविंग क्यों की?
हनीमून के लिए। हनीमून का नाम सुनते ही क्यों पसीने आ गए बाबू? बाबू, ये बाबू कौन है? तुम बाबू, मुंह से निकल गया प्यार से नाम। अब आज के बाद मैं तुम्हें बाबू कह के ही बुलाया करूंगा। अभी एक काम करते हैं, फोटो खींच लेते हैं, मोबाइल से दो। वो खींचते ना दोनों मिलके कुछ ऐसे करके ऊपर से, लोग क्या कहते हैं उसको, सेल्फी। सेल्फी। फोटोग्राफर के भी पैसे बचा लिए, स्विट्जरलैंड में काम आएंगे। चलो अब एक सेल्फी लेते हैं, लो करो। ब्यूटीफुल, कुछ मिसिंग है। हाँ, अब ठीक है। तुम आ गई हो तो ये भी ठीक हो ही जाएगा। ये कैसा घर है? क्या मतलब ये कैसा घर है? ये तुम्हारा घर है या भाड़े का? बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा घर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? एड में जो भी लिखवाया था सब झूठ। तुम्हारा घर, तुम्हारी उम्र, तुम्हारा पैसा, सब झूठ है। तुम भी कौन सी दूध की दुली हुई हो? ये भी पता है तुमने ये शादी ऐसों के लिए की है? कर रहा था, लेकिन हाँ ये बात सच है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं जो मैंने अपने हनीमून के लिए बचा के रखे हैं। रिश्ते टूट गए लेकिन बल नहीं गया। हाँ, हनीमून, हनीमून, हनीमून। दो चार इधर उधर की फोटो दिखा दी और हनीमून के सपने दिखा रहे मुझे। स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा। अरे नहीं जाना मुझे हनीमून पे। बाहर में गए तुम और तुम्हारा हनीमून। अकेले जाना और बताना मुझे कैसा रहा तुम्हारा हनीमून। हाँ निशा, बता तू शादी में क्यों नहीं आई? ओ एक्चुअली मैंने तुझे बताया था ना, फैमिली फंक्शन था, उसी में फंसी हुई थी। यार मैं तो फंस गई हूँ। पता बुड्ढे के फंसना कुछ भी नहीं है, बस झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। पैसा है, रखा है, सब दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं है, कुछ दिखा नहीं रहा। बस हनीमून की रट लगाए बैठा है। हनीमून पे पैसा दूंगा, मर जाऊंगी, लेकिन के साथ तो हनीमून पे नहीं जाऊंगी। मेरी एक गलती से ना मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है, मैं क्या करूं? अच्छा सुन, प्लीज तो रो मत, प्लीज चुप हो जा, थोड़ा समय दे, अच्छी बीवी बनने का नाटक कर और फिर उससे पूछ कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं आगे क्या करें। वैसे सुन, है कहाँ वो बुढ़ा अभी? हे भगवान, क्या हुआ? मर तो नहीं गया? अरे हनीमून तो छोड़, ये तो सुहागरात की तैयारी कर रहा है। क्या? अब मैं क्या करूँ? ये बुड्ढा तो सुहागरात मना के रहेगा। देख तू हौसला रख, हिम्मत रख, कैसे भी करके कोई भी बहाना कर दे और बोल दे कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर हम बाद में देखते हैं कि क्या करें। ठीक है? ठीक है। ये मेरी की हुई सजावट कैसी लगी तुम्हें? अब ये इस वक्त कौन आ गया यार? देखता हूँ।
बाप है, इसको भी आ रहा था। और ये देखिए तो क्या कही। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अभी तो आपने पूछा कि कैसा लग रहा है। और अब से मतलब मैंने तो एक काम कर, जाके बाथरूम में छुप जाओ, तब तक बात मत आना जब तक मैं तुझे बुलाऊं ना। मैं बाथरूम में जाके क्यों छुपूंगी? मैं कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा अच्छा, बाथरूम में अगर बदबू आएगी तो कोई बात नहीं, काम कर, किचन में जाके छुप जा। देखो मैं कहीं नहीं जाने वाली, पहले मुझे बता बाहर कौन आया, क्यों छुपू मैं? मेरी आ रही। क्या बेटी? आपकी बेटी भी है? हे भगवान, और कितना झूठ बोलोगे? मुझे सच सच बताओ, कितने बच्चे हैं आपके? दो है, दोनों बेटी है, मैंने उनकी शादी करवा दी है, वो सेटल्ड है, मेरा उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। बाकी कहानी मैं तुझे बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो प्लीज जाके किचन में जाके आ जा, प्लीज प्लीज, गुड गर्ल। अरे हटा रे, पागल हो गए हो क्या? नहीं, एक मिनट, दुपट्टा भी है। खोल रहा हूँ भाई, खोल रहा हूँ। अरे यार पापा, क्या कर रहे हैं? मैं कब से घंटी बजा रही हूँ, कहाँ है पापा? वो मैं टॉयलेट में था, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। जरा अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। अब इतनी रात में यही पूछने आई थी क्या? नहीं तो आपको मैंने गुड्डू के नामकरण में इसलिए बुलाया था ताकि आप सबसे मिलजुल जाए, सबसे बात कर सके, लेकिन पता नहीं आपको किस बात की जल्दी थी, आप ऐसे अचानक गायब हो गए जैसे खड़े खड़े आपका दम घुट रहा हो। तुम्हारे सास ससुर ने वैसे ही मुझे लूट रखा है, जब भी कोई फंक्शन होते हैं बुला लेते हैं, पैसा हिट लेते हैं मुझसे। ठीक है, बोल दीजिए जितना बोलना है, ये सब है ना ज्योति के आगे बोलना, मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करती है। ज्योति कोई खुदा है क्या? क्या कर लेगी वो? इधर है, दोनों बहनों की मिली भगत। वाह ज्योति, अच्छा हुआ तू आ गई, कुछ देर पहले आती ना तो खुद इनके मुंह से सुन लेती। अरे तुम लोग हमेशा जब भी मेरे पास आते हो मेरा पैसा लूटने के लिए ही आते हो, तुम्हारे सास ससुर ने मेरे इतने सारे पैसे खा लिए, कभी ये चिंता तो नहीं है ना आप लोगों को? जी भैया, बाप टाइम पे गोली खाता है कि नहीं खाता है, खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है, पानी पी पाता है कि नहीं पी पाता, डॉक्टर को बुलाता है कि नहीं बुलाता ना भैया, किसी तरीके से माल मिल जाए, इसलिए एक बात बताओ, जाओ यहाँ से। लो फिर से शुरू हो गए, लूट लेंगे, छीन लेंगे, बर्बाद कर देंगे, बस यही आता है आपको, इतना ही समझते हैं आप भी बताइए हम क्या करें? आपको ना बुलाए, कहीं भी किसी भी फंक्शन पे ना बुलाए, क्या जवाब दें अपने घर वालों को कि आपको किसी के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लगता, ये आपको कोई भी पसंद ही नहीं है, बताइए। बोल दो जो बोलना है, बोल दो मैं, हमारा बाप जो है ना किसी से कोई रिश्ता नाता रखना ही नहीं चाहता है, थक चुका है वो सबसे। क्या हुआ? दिल में दर्द हो रहा है। ज्योति तू भी ना कुछ भी बोलती, चले ये कोई तरीका होता है बाप के साथ बात करने का? आप बैठिए, बदतमीज लड़की, संभाल के। तुम्हें क्या पता तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरे जीवन कैसे जिए? ज्योति तू भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलती है, देख अभी इनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, बढ़ा दिया ना एक और खर्चा। जानती हूँ पिछली बार भी तो आपको दिल का दौरा पड़ा था और अस्पताल का सारा खर्चा हम दोनों बहनों ने ही तो उठाया था। कितना झूठ बोलती हो तुम दोनों बहने, हैं? मैंने अपनी बीमारी के सारे खर्चे खुद उठाए, बात करती हो? आपने तो किया, लेकिन आपके मरने के बाद ये सब हमारा ही हुआ ना, तो इनडायरेक्टली तो हमारा ही खर्चा हुआ ना। कौन हो तुम? कौन है ये? और ये वो, ये हाँ नौकरानी है। नौकरानी? आपको कौन सी नौकरानी की जरूरत पड़ गई? बस रख ली। फुल टाइम की पार्ट टाइम? फुल टाइम। वैसे ये नौकरानी इतनी सजी धजी क्यों है? अभी इसकी शादी हुई है, मेरा मतलब कुछ दिन पहले इसकी शादी हुई है। कितने दिनों से है यहाँ पर?
कुछ दिनों से। क्या निशा जानती थी कि वो अपनी दोस्त ज्योति के पिता से शादी कर रही थी, या फिर ज्योति ने ही जानबूझकर निशा की शादी अपने पिता से करवाई, या फिर दोनों सचमुच में अनजान थी? ये सवाल अब वाकई बहुत बड़ा बन चुका है। श्यामलाल ने अपना अतीत निशा से छिपाया, निशा को पति से नहीं पैसे से मतलब है, लेकिन दीक्षा और ज्योति तो श्यामलाल की अपनी बेटियां हैं, वो पिता के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? पिता की जिंदगी से ज्यादा अस्पताल के खर्च की चिंता है उन्हें, ये वाकई शर्मनाक बात है। श्यामलाल अपनों के बीच जरूर है, लेकिन कोई भी उनका अपना नहीं है, और यही उनके लिए खतरे की आहट है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, हाँ, नहीं, मैं नहीं जानती। अब जबरदस्ती का खर्चा और बढ़ गया ना। वैसे ये कितना पैसा लेती है? ऐसा कोई खास नहीं, दो वक्त की रोटी घर चलाने के लिए थोड़े बहुत। फिर ठीक है। वैसे पापा एक बात बोलूं, इस सब चक्कर में आप अपने सीने का दर्द ही भूल गए, हमारे कितने सारे पैसे बच गए। और तू ठीक से काम करना, ऐसे नहीं कि खाया पिया और निकल गई मुफ्त में। थैंक यू वेरी मच। छोटी ने मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया? अभी तक नाराज हूं। देखो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी दुनिया को बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। मुझे अपनी बेटियों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह तुम्हारे साथ व्यवहार किया और तुमने कुछ भी नहीं बोला, और मैंने भी तुम्हें नौकरा नहीं बोला, उसके लिए सॉरी। देखो आज ही हमारी शादी हुई है और इतनी रात होगी हमने खाना भी नहीं खाया। मैं होटल से चाइनीज लेके आता हूँ। अगर पैसे हैं तो फिर है कहां? और ज्योति, क्या उसे पता था कि मैं इसके बाप के साथ शादी करूं? कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? हाँ, और तुझे मेरा ही बाप मिला था शादी करने, कोई और नहीं मिला तुझे, किसी और को जाके फंसा लेती। लेकिन ज्योति मुझे कैसे पता चलता कि ये तेरा बाप है? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कर। जानबूझ के तूने मेरे बाप से शादी की ना, ताकि तू उनकी सारी दौलत हड़प सके। मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले ये तो सोच कि मुझे ऐसा करने को किसने कहा था? तुम्हें यार क्या करती, तू हर वक्त मुझे परेशान जो करती रहती थी और अपनी सड़ी हुई कहानियां सुनाती रहती थी और मेरा दिमाग खराब कर दिया था तूने। तू इतनी गिरी हुई निकलेगी मुझे पता नहीं था? मेरे ही बाप से शादी कर ली ताकि तू तो उनकी दौलत हड़प ले। और सुन, मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, अगर तूने मेरे बाप को कुछ भी चुप कर। कौन सी दौलत? हाँ, कौन सी दौलत के बारे में बात कर रही है तू? अरे तेरे बाप के पास टूटी कौड़ी भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, जिससे कि तेरे फटीचर बाप को बुढ़ापे में मुझ जैसी जवान लड़की का सहारा मिले? निकल के तुझे इस घर से निकाल दूंगी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, यहीं रहूंगी, वो भी इसी घर में, और वो भी तेरे बुड्ढे बाप के साथ। तूने आइडिया दी थी ना कि वो एडवर्टाइज वाले बुड्ढे से शादी करूं, उससे बात करूं, समय बिताऊं, फिर देखते हैं क्या करना है। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करूं। क्या करेगी तू? हाँ तुम फिर आ गई।
एक मिनट। ये वो किस लिए आई थी? मुझे नहीं पता। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो? मैं नहीं जानती। स्ट्रेट आंसर। अरे देखो ये चाइनीज फूड, मैं कैंडल लाइट डिनर की तैयारी करता हूँ, तब तक तुम अपना बैग पैक करो, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। बैग भी क्यों पैक करना, तुम वहीं से खरीदना जो तुम खरीदना चाहती हो, वैसे मैं तुमका स्विट्जरलैंड में शॉपिंग कराओगे जी? तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी भी है जो तुम मुझे स्विट्जरलैंड में शॉपिंग कराओगे? तुम बीमार बीमार हो क्या? हाँ, हर बार हवा में महल खड़ा करते हो। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं? नहीं है भरोसा। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी है जो तुमने मुझे सच कहा? हर समय पर झूठ झूठ और झूठ। चलिए अभी प्रूव कर देते हैं। लो अपना हाथ दो ना। अरे यार हाथ भी कच्चू से दे रहा हूँ। कहाँ? आओ तो सही। कहाँ ले जा रहे? अभी पता चल जाएगा तुम्हें मैं सच बोलता हूँ या झूठ। अब ये कहाँ लेकर आए हो? ये वो जगह है जहाँ मेरे सपने अभी भी जिंदा है। क्या कर? अभी पता चल जाए। इसे ऐसे छुपा कर क्यों रखा है? अपनी बेटियों से, क्योंकि उन्हें सिर्फ मुझसे हिस्सा चाहिए, बाप नहीं। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटियों को खुश करने में निकाल दी, बदले में मिला के कुछ नहीं। एक मेरी पहली पत्नी निर्मला है, बहुत ही नेक और शरीफ औरत थी, मेरे घर को इसी ने सजाया। हनीमून तो सिर्फ एक बहाना है, मुझे तो जिंदगी में कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरे साथ वक्त गुजार सके और मैं उसके साथ, जो मेरे दुख को समझ सके और मैं उसके दुख को। देखो तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, फैसला तुम्हारा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ ही नहीं पाई, मैंने आपको बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए।
मरेगा तो जरूर, कभी ना कभी तो मरना ही है उसे, और नहीं मरा तो तू उसे मार देना। देखिए श्यामलाल जी की मौत हो गई। इंस्पेक्टर साहब, ये मर्डर केस नहीं है, श्यामलाल जी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। अब क्या कहेंगे आप दोनों? देखिए, बिना किसी वजह के किसी पर भी इतना संगीन इल्जाम नहीं लगा सकती आप। हाँ, पारिवारिक मामलों को आपस में मिलकर सुलझाने की कोशिश किया कीजिए, इसी में सबकी भलाई है। चलता हूँ। आप उनकी वाइफ हैं? देखिए, डेथ सर्टिफिकेट पर आपकी साइन लगेगी, जिससे आप बॉडी क्लेम कर सकती हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? बीवी हूँ मैं उनकी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? है कोई मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हारे पास, या कोई गवाह है? मंदिर में की हुई शादी कोई कानूनी शादी नहीं होती। श्यामलाल ने घर में रखी अपनी सारी जमा पूंजी निशा के हवाले कर दी और उसके तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। डॉक्टर का कहना है कि श्यामलाल की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन ये हार्ट अटैक उन्हें आया कैसे, ये तो आपने भी देखा। ज्योति निशा को पहले से जानती थी, एक बुजुर्ग शख्स से शादी करके उसके पैसे पर ऐश करने का आइडिया भी उसी ने निशा को दिया था। हाँ, ये उसका दुर्भाग्य कहिए कि उसकी बात उसी पर आ गई। अगर दीक्षा, ज्योति और निशा तीनों को भी इस मौत से फायदा होने वाला था, तो जाहिर सी बात है नेचुरल डेथ का यह मामला उलझा हुआ है। तीनों का अपना अपना स्वार्थ हालात को संदिग्ध बना रहा है। सच से पर्दा उठना शायद अभी बाकी है।
से ही अमानत तुम्हारी, और कल देखना इससे भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा तुम्हें। निशा जी, जी मैं श्यामलाल जी का वकील हूँ, क्या अंदर आ सकता हूँ? दरअसल मुझे आपको कुछ पेपर दिखाने थे। जी आइए। श्यामलाल जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी थी, बैंक की एफडी, ये घर और पूना की दोनों दुकानें आपके नाम करके गए, ये उसी के पेपर। आप नीचे साइन कर दीजिए। मिसेस दोषी जी, जी नीचे साइन कर। उन्होंने एक अच्छे पिता होने की हर जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन दुख की बात यह है अंतिम समय तक वो अकेले रहे। वो अकेले नहीं थे, कौन है ये? भाई हमने सुना है श्यामलाल जी ने अपने घर पे कोई नौकरानी रखी थी। लेकिन नौकरानी है क्यों आएगी? और वैसे भी मुझे ये नौकरानी जैसी नहीं लगती। ठीक है, चले जाओ यहाँ से। मैं निशा श्यामलाल दोषी। कहीं ऐसा तो नहीं ये श्यामलाल जी की तीसरी बेटी हो? जी नहीं, मैं उनकी। प्लीज तुम हमारे साथ आ जाओ। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारे पापा की बीवी हमारी माँ थी, जो इस दुनिया में अब नहीं रही, सुना तुमने? और तू है ना इस घर की नौकरानी थी। मेरे पापा ने कोई शादीवादी नहीं की थी, निकाल यहाँ से। और सबूत भी है मेरे पास, समझे तुम दोनों? कैसा सबूत? हाँ कौन सा सबूत? जाओ और जाके पहले सबूत लेकर आओ, फिर आके हमसे बात करना। निकल यहाँ से। मैं आऊंगी, मैं सबूत लेकर वापस आऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों। निकल यहाँ से, निकलो। अगर आप ये जो कुछ भी कह रही हैं, अगर वो सच है, तो फिर वो औरत कौन थी जिनसे मैं श्यामलाल जी के घर में मिला था? वो एक धोखेबाज है,
उसका काम ही है लोगों को फंसाना। वो ज्योति की पुरानी दोस्त थी तो ज्योति ने बस तरस खा के उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उस धोखेबाज ने हमें ही फंसा दिया। जी वकील साहब, दीदी सही कह रही है, वो लड़की बस एक फ्रॉड है, उसका तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और वो खुद एक गुमनाम लड़की है। मैं गुमनाम नहीं हूँ। वकील साहब, मेरे पास एक सबूत है जो साबित कर सकता है कि श्यामलाल जी ने मुझसे ही शादी की। लेकिन वो सबूत है क्या? ये देखिए, जिस रात मेरे पति की मौत हुई वो मुझे फोटो के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। अरे तो लेकिन ये विटनेस है कहाँ? यहाँ है विटनेस। वकील साहब, यही है वो पंडित जी जिन्होंने श्यामलाल जी और निशा जी की शादी करवाई थी। गुड, ये हुई ना बात, इसका मतलब श्यामलाल जी ने जो भी पेपर बनाए थे वो सही थे, और आप उनकी बीवी हैं, और श्यामलाल जी की पूरी दौलत और सारी प्रॉपर्टी के असली हकदार आप हैं। नहीं वकील साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ कि मैंने शादी पैसों की लालच में की थी, लेकिन जब मैं उनके साथ रही, उनसे बात की, तब मुझे समझ में आ गया कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उनका साथ देना चाहती थी, उनका अकेलापन दूर करना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पाए। अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस उनका नाम चाहिए। आप दोनों को अरेस्ट किया जाता है निशा जी को जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में। अरे वो तो अच्छा हुआ निशा जी ने हमें सही वक्त पर फोन कर दिया, वरना आपके पापा को जैसे आपने जहर दे दिया ना, वैसे वो भी मर जाती। क्या? तुमने तुम्हारे पापा को मारा? हाँ, मारा मैंने पापा को। एक ऐसा बाप जिसे सिर्फ अपनी फिक्र थी। पापा ने सारे गहने और पैसे कहीं छुपा के रखे थे, हमें नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमने निशा को अपने झांसे में लिया। हमें पता था कि निशा पापा का विश्वास जीत लेगी। पापा दिल के मरीज थे, इसीलिए सिर्फ हमने उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए उन्हें दवाई पिलाई और निशा को उसमें फंसाने की कोशिश की। कैसी बेटी हैं आप दोनों, बुढ़ापे में बाप का सहारा बनने की बजाय आपने अपने बाप की जान ले ली। आपने बाप को मार डाला और आपके लालच ने आप दोनों को ही मार डाला। अरेस्ट कर लो इन्हें। रुपया जब रिश्तों से बड़ा हो जाता है तो इंसान किस शर्मनाक हद तक गिर जाता है, भरोसा कितने नाजुक मोड़ पर तोड़ा जाता है, और अपराध कितना झकझोर देने वाला होता है, ये देखकर वाकई दिल दहल गया। दो बहनों ने अपने ही हाथों अपने पिता की जान ले ली, इससे ज्यादा भयावह और क्या हो सकता है? निशा एक अनाथ लड़की थी, उसे सहारा चाहिए था। श्यामलाल भी अकेलेपन के शिकार थे। ये शादी बेमेल जरूर थी, लेकिन श्यामलाल ने निशा को दिल से अपनाया, और शायद इसीलिए वो पिघल गई। उसने श्यामलाल का भरोसा नहीं तोड़ा। कौन अच्छा है और कौन बुरा, ये बात इंसान की सोच से तय होती है। लालच में श्यामलाल की अपनी बेटियां अपराधी बन गईं, और एक पराई लड़की ने उनके लिए इंसाफ की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया। आज दोनों बहनें पुलिस की हिरासत में हैं। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि जिस तरह बच्चे कभी महसूस नहीं करते हैं कि माँ बाप ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, वैसे ही ढलती उम्र के साथ माँ बाप को भी कभी यह एहसास नहीं होना चाहिए कि वो अकेले पड़ रहे हैं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।